अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 क्लास की मैथ स्टार्ट करते हैं। इसकी ये पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हम इसमें पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले डेफिनेशन किसके लिखी हुई है? सेट की। सेट क्या होता है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एक कलेक्शन है। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है कि एक क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं ना, वो 11 लोग हो गए। अब डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अब जो 11 पीपल्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या सेम होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब 11 लोग और डिस्टिंग मीन्स मुख्तलिफ, ठीक है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। अब आप लोगों के स्कूल की हॉकी की टीम के मेंबर्स। द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन एक दूसरे से अलग अलग नेम है, तो 7 दिनों का सेट बन गया। अब ये वॉवल्स भी क्या हों? सेट ए ई आई यू। ये देखें, कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा। अगर ये होता ना कि इसके अंदर एक ए रिपीट भी हो जाता, तो ये भी ए, तो ये सेट ना बनता। डिस्टिंग का मतलब ये है कि सारे मुख्तलिफ हों इसके अंदर। अच्छा, टेबुलर एलिमेंट्स सेपरेट बाय द कॉमा एंड पुट द कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग्स। अच्छा, जो ये इसके अंदर लिखे जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म्स। जैसे कि द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट। अब इसको आप लोगों ने ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3। तो इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो ये क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म्स। द सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ABCD, और इसको कोमे से सेपरेट कर दो और इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म्स बन जाएगी। अब हम रीड करते हैं टाइप्स। टाइप्स कितने हैं? फनाइट, इनफनाइट्स, एम्प्टी, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट। हम पहली डेफिनेशन देखते हैं फनाइट सेट। फनाइट सेट का मीन ये है कि वो नंबर जिनको आप इजी काउंट कर सकते हो, मतलब 100 तक हो, 1000 तक हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो फनाइट सेट होंगे। जैसे कि ये देखें, इनको काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हैं तो इनको काउंट कर सकते हो। ये कौन से बन जाएंगे? फनाइट सेट। अब ये देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 25 तक, 25 से लेस नंबर इनको भी काउंट कर सकते हो, फनाइट सेट बन जाएंगे। अब इनफनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज मल्टीपल ऑफ द 3। अब देखें कि पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे हैं और जो 3 से मल्टीपल हों वो भी लादा दादा, जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। अब ये होल नंबर लिखा हुआ है, ये देखें जिस जगह पे डॉटेड लग गया तो ये कंटिन्यू है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफिनाइट सेट बन जाएगा। अच्छा, एम्प्टी सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट वो सेट जो जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, एम्प्टी सेट कहलाता है। और सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, जैसे कि ये देखेंगे सिंगलटन सेट लिखे हुए हैं सारे। इक्वल सेट वो होता है कि दो सेट लें और उनके अंदर एलिमेंट भी इक्वल हो और तादाद भी इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगी? इक्वल सेट कहलाएगी, ठीक है। टू सेट ए एंड बी आर द इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट हो और इक्वल तादाद हो, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट की। अब इसके अंदर कहता है कि द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी द इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब इसके अंदर ये नहीं कह रहा कि एलिमेंट सेम हो, अब ये कहता है कि नंबर तादाद सेम हो, जैसे कि इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, बट इसके अंदर देखें एलिमेंट सेम्स नहीं है, 1, 2, 3 है, ABC। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में ये डिफरेंस है। इक्वल के अंदर क्या कहते हैं कि नंबर भी सेम हो और तादाद भी सेम हो, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3। और इक्विवेलेंट में होता है कि बस नंबर सेम हो, अंदर एलिमेंट सेम ना भी हो। सबसेट, ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेनिंग बी। अब सबसेट कहता है कि
ए सबसेट होगा बी का। अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में हो, जैसे कि हम सेट लेते हैं ए 1, 2, 3 और बी ले लेते हैं 1 से 5 तक, तो ये देखें ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, प्रॉपर सबसेट इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट बिलोंग टू द ए। अब कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट, अब ए हमने सेट लिया 1, 2, 3, 4, ए का एलिमेंट एक ऐसा हो जो बी में ना हो, और बी हमने लिया 1, इसके अंदर 2 नहीं है, 3, 5, 6। अब ये देखें 2 इसके अंदर एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं कर बिलोंग करता, तो ये बन जाएगा प्रॉपर सेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। कहता है कि अगर ए सबसेट हो बी का, जैसे सबसेट की डेफिनेशन पढ़ ली है, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए में जितने भी नंबर्स होंगे वो बी के नंबर्स होंगे, जैसे कि 1, 2, 3 ये इसमें हैं, तो 1, 2, 3 ये इसमें होगी, तो ये इसका क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट इसके एम सी क्यूज देखते हैं। कहता है कि आ डैश इज़ आ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ, एक अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, सेट क्या होती है, कलेक्शन होती है। ठीक है, सेट क्या बन जाएगी, कलेक्शन। अच्छा, पावर सेट ऑफ इम्पिटी सेट हैज़ एग्जैक्टली डैश, पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट आर इक्वल, अभी देखो इक्वल सेट वो होंगे जिनके अंदर एलिमेंट सेम हो, इसमें देखे वो इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 है, इक्वल नहीं होगा। इसमें देखें बी में 1, 2 बट इसमें 3 है, तो इक्वल नहीं है। इसमें देखें 1, 2, 3 इसमें बस अरेंजमेंट अलग अलग है, बट 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो सेम एलिमेंट नहीं है। इक्वल के लिए शर्त ये थी कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, सी करेक्ट। अब ये देखते हैं एनी थिंग्स बिलोंग टू द सेट इज कॉल्ड द, जो चीज़ सेट में से बिलोंग करती है वो उसका एलिमेंट कहलाती है। अ सेट विच डिस्क्राइब विच द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, अच्छा अब ये जो स्टेटमेंट के ज़रिए से डिस्क्राइब की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव कहलाती है फॉर्म्स। जैसे कि मैं भी आपको पीछे दिखाती हूँ, ये वाली फॉर्म थी कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स कहलाएगी, ये द सेट ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो उसकी टेबुलर फॉर्म्स बन जाती है। ठीक है, नल सेट इज कंसीडर्ड टू बी अ सबसेट, नल सेट हर एक का सबसेट बन सकता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ये पावर सेट की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, सबसेट के जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं उसके वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट। अच्छा, ये जो ये वाली अलामत होती है ना, ये मेंबर की होती है, जैसे कि ए मेंबर है बी का, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ सेट ए सेट हैज़ 4 एलिमेंट देन द पावर सेट विल बी कंटेन द एलिमेंट इक्वल टू द, अब कहते हैं कि एक सेट है उसके पास 2, 3, 4 चीज़ें, तो इसका पावर सेट मालूम कर, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाता है, 16। ओके, समझ आई है, 4 की पावर कितनी ले लेंगे, 2, तो ये पावर सेट फाइंड कर देगा, एक तरीका है। ठीक है, पावर सेट ऐसे फाइंड किए जाते हैं, अगर इधर पूछा होता 3 सेट हैं तो 3 की पावर ले लेते, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें पूछा हुआ कि एक सेट के पास 4 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पीछे कर लिए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये देखें कि ए इज़ 1, 2, 3 एंड बी इज़ 1, 2, 3, 4, ए इज़ क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ ई इज़ इक्वल टू ये नंबर्स और ओ इज़ इक्वल टू दिस नंबर,
अभी इक्विवेलेंट की यही डेफिनेशन थी कि उसके मेंबर सेम हो या ना हो, बट उसके अंदर जो तादाद हो वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1, 2, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, मेंबर अलग अलग हैं, एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, बट इसके अंदर भी 3 मेंबर, इसके अंदर भी 3, बट एलिमेंट सेम ना भी हो तो कोई बात नहीं। अगर एलिमेंट सेम हो जाए तो वो इक्वल की डेफिनेशन बन जाती है, ना कि इक्विवेलेंट की। नेक्स्ट देखते हैं, 0 इज़ अ सेट विच हैज़ 1 एलिमेंट। ये देखो, ये सिंगलटन की भी डेफिनेशन में था। नेक्स्ट देखते हैं, द टू सेट आर सेट टू बी द इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। इक्वल की डेफिनेशन यही थी कि सेम एलिमेंट हो गए तो इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसको टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ, नेचुरल नंबर याद रखने के 1 से स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनाइट। ये 12 तक पूछा हुआ, ये काउंट कर सकते हैं, ये 10 से लेस, ये भी काउंट कर सकते हैं, ये भी काउंट कर सकते हैं। अब जस्ट ये रह गया जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेट का पोर्शन था, ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर्स। ये देखें कि फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब x इज इक्वल टू y, इसका मतलब इक्वल है। x लेस देन y, ये लेस देन का साइन होता है। x ग्रेटर देन y, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। अब अगर इसके साथ ये लग जाए तो लेस देन एंड इक्वल देन आ जाएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल देन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग देख लेना इधर से। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो है कमोडिटी प्रॉपर्टी। कमोडिटी प्रॉपर्टीज ये होती है कि 2 + 3 इक्वल होते हैं 3 + 2। इसका आंसर भी 5, इसका आंसर भी 5, दोनों इक्वल आ गए। इसका द कमोडिटी प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का ये होता है कि 3 नंबर ले लेने हैं। अब जैसे कि 3 + 2 और +2, ये इधर 4 कर लेते हैं, ठीक है। पहले 2 को ऐड करो, फिर तीसरे को ऐड कर लो, या फिर 3 को बाहर रहने दो, हम ऐड कर लेते हैं 2 + 4 को। तो आंसर देखो दोनों के सेम आएंगे, 5 5 में ये 4 ऐड किया 9, इसको भी कर लो 6 6 में 3 ऐड किया 9, दोनों ऐड हो गए। बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में 3 नंबर आते हैं, किसी भी 2 को पहले ऐड करके तीसरे को बाद में ऐड कर लें, या फर्स्ट वाला वैसे रहने दें, लास्ट वाला 2 को ऐड कर लें, तो ये क्या बन जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से बन गई। और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से कमोडिटी प्रॉपर्टी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा 12। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कमोडिटी प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी लिखी हुई है, 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, या तीसरे को, या पहले बाहर रहने दो और 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बन गई। ये एडिशन के लिहाज से थी और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बन गई। नेक्स्ट लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है कि 2 को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या आता है? सेम आता है या नहीं? अब इसको देखो, ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा? 6। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना दे देंगे? 2, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम होती है। हम अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब कहते हैं कि द नंबर डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू द नंबर इट्सेल्फ। किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने से क्या वो खुद के इक्वल आ सकता है? यस। अगर 2 को 1 से डिवाइड करो 2 के इक्वल आ जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करो तो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो एक वाहिद नंबर 1 है जिसको किसी से भी डिवाइड करने से वही नंबर दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द। अब कहते हैं कि 5 को 5 से डिवाइड करो किसके इक्वल आता है? 1 के। 6 को 6 से डिवाइड करो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। नॉन जीरो नंबर ये होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर, 0 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा।
ये बेसिक बेसिक सी मैथ है, बट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जिनकी मैथ नहीं है उनको तो ये मस्ट आनी चाहिए। मैथ वालों के लिए तो ये बहुत ही बेसिक है, उनको तो ये सारा कुछ आता है। बट जिनकी मैथ नहीं है ना, वो लोग इसको अच्छे से कर लें। अगर एजुकेटर्स की जॉब्स आती है उसमें मैथ भी होगी। अब जो प्राइमरी क्लासेस की आई हुई है उसमें मैथ भी होगी, ठीक है। बट जिनकी मैथ है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, वो ना भी करें तो उन्हें ये सब कुछ आता है। बट जिनकी मैथ नहीं है उनके लिए ये मुश्किल है, तो उनको वो लोग इनकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये कहते हैं कि एनी नंबर डिवाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू द, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड फॉर्म दे देता है, ठीक है। फोर को ज़ीरो से डिवाइड करो, टू को ज़ीरो से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, डिफाइन नहीं होता नंबर। विच वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन से। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन और एडिशन की आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। अब ये क्यों होती है ये देखें, अब किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर देता है, अब किसी भी नंबर को ज़ीरो से ऐड करो तो वही नंबर देता है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर दे। जैसे ये देखो, फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया, फाइव आ गया, टेन को वन से मल्टीप्लाई किया, टेन आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी बन गई, ये एडिशन की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब कहता है कि 25 को 5 से डिवाइड करो तो कितना बचता है, 25 इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में कहता है कि आ वैगन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज जापान कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब कहता है कि एक वैगन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कितनी प्रोड्यूस करता है वैगन, 8,000 तो एट अ डे, एक दिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट ऑफ द वैगन डेट कैन बी प्रोड्यूस इन मंथ। अगर वो वीक में 8,000 प्रोड्यूस कर रहा है तो मंथ में कितनी प्रोड्यूस करेगा। जस्ट ये देखें, एक दिन में कितनी 8,000 प्रोड्यूस कर रहा है, तो महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो 30 को जस्ट 8,000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आप लोगों के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय इज़ नॉट डिफाइंड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दो तो वो डिफाइंड नहीं होता, ओके, अनडिफाइंड बन जाता है। तो यही पूछ रहा है कि होल नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो डिफाइन नहीं हो। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, अभी देखो 2+3 इज इक्वल टू, 3+2 या 2+2 इज कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, एडिशन के लिहाज से कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। और यही अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कमोटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती। अब इसमें कहता स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन है a+b+c इज इक्वल टू a+b+c, ये कौन सी, अभी हमने प्रॉपर्टीज रीड की है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल सॉल्व की हुई है। अभी देखो, 2, 5 को ऐड करो 3 से कितना बन जाता है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट ये आप लोगों ने बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ बन रही है। जिस जगह पे ये याद रखना, जिस जगह पे एडिशन का साइन आ जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर एडिशन है तो तीनों में एडिशन आएगी, मल्टीप्लिकेशन है तो तीनों में आएगी। अब इसमें ये याद रखना है कि एक में एडिशन और एक में मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस ये है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद द ज़ीरो फॉर्म्स ऑफ द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डैश नंबर इज, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, वो कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ये कहते हैं कि इसकी, अब देखो 0, 0, 1, 9, 9 कहते हैं कि इससे अगला नंबर कौन सा होगा। अब 1, 9, 9 है तो इससे अगला नंबर 1 के बाद 200 ही बनता है, ओके। इससे नेक्स्ट नंबर पूछा था कि इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, द होल नंबर विच डज नॉट हैव द, अब कहते हैं कि होल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर में हम क्या इंक्लूड कर देते हैं, 0, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 इज़ द, ये देखें होल नंबर्स होता है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, एसोसिएटिव, 2 को बाई एम ब्रैकेट में रख लेना, 3 को बाई रख लेना, इसका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसमें 6 less than 8, ठीक है, ये लेस देन का साइन है। अब आज हमने सेट और नंबर सिस्टम के कुछ
डेफिनेशंस की हैं और उसकी एमसीक्यू सॉल्व किया। नेक्स्ट जो भी बनेगा हम वो कर लेंगे। ये देख लें, ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे से करते जाएं, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता बट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने इसके पहले सेट के बारे में पढ़ लिया था, सेट और उसकी टाइप्स पढ़ ली थी, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हमने ये वाले नंबर्स के हमने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। ओके,